हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 24 नवंबर रविवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें आपको बताएंगे। आज आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है तथा आप अपने जीवन को, अपने आज के दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन सी परिस्थितियां आज आपको झेलनी पड़ सकती हैं तथा आप आज जो हैं कौन सी खुशियों को प्राप्त करोगे, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रोजाना राशिफल समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जो है कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा पर आप पर बेहतर तरीके से बन रही है, कार्य करने में सक्षम नजर आ रहे हैं, समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हैं, जरूरी कार्य में आपको समर्थन प्राप्त होने वाला है, सामाजिक गतिविधियाँ आपकी बेहतर बन रही है। मित्रों, नौकरी तंत्र में कुछ नया करने का प्रयत्न कर सकते हैं, स्थानांतरित कुछ बड़े कार्य आपका सही तरीके से होते हुए देखने को मिलेगा जिनसे कि आप काफी प्रसन्नित होंगे। नौकरी कर सकते हैं, समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है जिसकी आपने कभी सोच नहीं की थी। जीवन जीने का सही तरीका आपको समझ में आने वाला है, घर परिवार में उत्साह का माहौल बना रहेगा तथा आप अपना बेहतर बना रहे इन सभी जीवनों को, कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुख शांति का वातावरण आपका बेहतर तरीके से बना रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको भारी धन लाभ होने की संभावना है, बार बार लगातार किया गया प्रयास आपके लिए आनंददायक होगा, अचानक आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है, आपके जीवन की परेशानियों का अंत होगा और आपके जीवन में आपको नई खुशखबरी मिलने की संभावना है। वाहन सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना चाहिए। मित्रों, विशेषकर बात करें तो आज आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो है जितनी भी अधूरी कल्पना थी उन सभी को पूरा करने का दिन आ चुका है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बन रही है। इस राशि के लोग सच्चे जीवन साथी के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आपके सारे कष्टों में कमी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। इनकी जो भी आपकी अगर शादी तुल्य हैं, अगर आप विवाह तुल्य हैं तो आपके विवाह योग्य हों और आपका विवाह पक्का हो सकता है। मित्रों, आपके ससुराल पक्ष से संबंध और मजबूत होंगे और आपको आर्थिक मदद मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें बहुत जल्द पदोन्नति मिलेगा और अगर आप व्यापार करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। बस आपको अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाना है, दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करते रहना है। अगर आपने कोई वाहन खरीदने का सोचा है तो ये समय उचित रहने वाला है, आप जल्दी से खरीद लें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज आपको बताना चाहेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा से चारों ओर से सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पैतृक धन संपत्ति से अच्छा फायदा मिलेगा, संपत्ति के कार्यों में आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मन में चल रही सभी दुख परेशानियां दूर होने वाली हैं। विद्यार्थी वर्ग के जातक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, भागीदारों के सहयोग से आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, आपके सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे, कानूनी मामलों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कुछ अलग और नया करने का आपका जो स्नेह है, आप जो प्रयत्न करते हैं उसमें आप अच्छा साबित कर सकते हैं, खुशियों के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती आपको देखने को मिलेगी, परेशानियों का स्तर खत्म होने वाला है, व्यापार में बड़ा धन लाभ हो सकता है जो आपकी वित्तीय स्थिति को काफ़ी मजबूत करेगा।
आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आपके जरूरी कार्य बेहतरीन समय पर खत्म हो सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से आपको बेहतरीन सहयोग हासिल होने वाला है। मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको जय माता दी अवश्य लिखना है। मित्रों, आपका दिन शुभ हो, आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।